कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ है। पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मांग की है कि वो आतंकी हाफिज सईद को भारत के हवाले करे, भारत को सौंप दे। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद और इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल की सलाखों के पीछे बंद है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत की मांग पर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान भारत को हाफिज सईद नहीं सौंपेगा तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई भी बातचीत किसी भी मुद्दे पर नहीं होगी। देखिए, ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर मुंबई और पुलवामा हमले के गुनहगार हाफिज सईद को पाकिस्तान नहीं सौंपता, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान इस मांग को खारिज करता है, वो इसको ध्यान नहीं देता, तो भारत आखिर क्या करेगा? दरअसल कुछ जानकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो फिर भारत कोई एक्शन बहुत जल्द ले सकता है। टारगेट एज मिशन पर भारत, भारत के एक सख्त कदम से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों में जबरदस्त खलबली मच गई है। पाकिस्तान की सरकार के पसीने छूट रहे हैं तो वहीं आईएसआई के हाथ पांव फूल गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने लश्करे तैयबा से जुड़ा एक ऐसा कदम उठा दिया है कि मारे डर कर लश्करे तैयबा के चीफ हाफिज सईद को जेल के अंदर ट्रिपल सुरक्षा दी जाने लगी है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि 75 साल के आतंकी हाफिज सईद का तुरंत प्रत्यर्पण करो और उसे भारत को सौंपो। भारत के हवाले करो आतंकी हाफिज सईद। पिछले 20 से ज्यादा सालों से लश्करे तैयबा भारत के खिलाफ जिहाद कर रहा है। कश्मीर से लेकर मुंबई तक आतंकी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्करे तैयबा ने सैकड़ों लोगों का खून भारत में बहाया है। पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई की शह पर भारत पर हमले करवाने वाला हाफिज सईद साल 2019 से पाकिस्तान की एक जेल में बंद है। लेकिन अब सवाल उठता है, पाकिस्तान से हाफिज सईद को भारत कैसे अपनी गिरफ्त में लेगा? आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के संस्थापक और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत को सौंपने की मांग की है, लेकिन अब तक इस मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत के हवाले करो आतंकी हाफिज सईद। पाकिस्तान में भारत का टारगेट एच आखिर है क्या, इसे समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इसे समझाते हैं अब आपको बहुत तफसील से। दरअसल पाकिस्तान में लश्करे तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का कनेक्शन इससे है। किस तरह से 75 साल का जो ये आतंकी हाफिज सईद है वो भारत को सौंपा जाएगा, लाया जाएगा, ये एक लंबा प्रोसेस जरूर होता है। लेकिन इस बीच आतंकी हाफिज सईद ने मुंबई में 26/11 का जो हमला किया था वो उसका मास्टरमाइंड निकला था और इस हमलों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश हाफिज सईद के जरिए रची गई थी। इस हमले में भारत समेत अमेरिका के नागरिक जो हैं वो मारे गए थे, जान उन्हें गंवानी पड़ी थी और हाफिज सईद को इस हमले का मास्टरमाइंड यहां पर माना जाता है। 14 फरवरी साल 2019 को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि पुलवामा हमला हुआ और इसका मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद यहां पर निकला और ऐसे कई आतंकी वारदातों का यह मास्टरमाइंड है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले सामने आते रहे हैं उसमें भी कई बार या फिर यूं कहिए ज्यादातर जो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया वो हाफिज सईद आया, वो खौफनाक। सुन लो मेरे भाई, हम ये कहने आए हैं कि इंशाल्लाह ये नहीं होगा और इंशाल्लाह ये अल्लाह के बंदे ये काम नहीं होने देंगे।
हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। वो अमेरिका के आतंकी लिस्ट में भी शामिल है। मुंबई आतंकी हमले के आरोप में अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। हाफिज आतंकियों का ऐसा सरगना है जिसने जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करवाए। भारत लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की अपील करता रहा है और सईद के भारत प्रत्यर्पण की मांग भी उठती रही है। हाफिज सईद को पिछले दशक में कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई हमलों के अलावा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही था। जब से भारत सरकार ने पाकिस्तान से हाफिज सईद को भारत को सौंपने की मांग की है, तब से लश्करे तैयबा में खलबली मची हुई है। दरअसल हाफिज सईद पाकिस्तान की एक जेल में बंद है, लेकिन कुछ सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने उसे एक खुफिया ठिकाने में नजरबंद करके रखा है। आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। साल 2008 में मुंबई में 10 आतंकियों ने भारी तबाही मचाई थी। इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अमेरिका ने हाफिज पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। फिलहाल लश्कर ए तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित जमात उद दावा के कुछ आतंकियों के साथ 2019 से जेल में है। 14 फरवरी 2019 के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का काफिला जब पुलवामा पहुंचा, तभी एक कार ने काफिले की एक बस में टक्कर मार दी। उस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था। यह हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हाफिज सईद को पुलवामा हमले के कई मास्टरमाइंड्स में से एक माना जाता है। हम आपको आगे बताएंगे कि भारत ने हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए क्या मांग रखी है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 12 से ज्यादा खूंखार आतंकी संगठन हैं, जो लगातार अफगानिस्तान, भारत समेत कई पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है। आतंकियों की नर्सरी बन चुका पाकिस्तान जिहादियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां से भारत पर कई आतंकी हमले हो चुके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 में से कितने पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस वक्त भारत पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। आतंकवाद पर अमेरिका सीआरएस की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है? दरअसल इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़े खुलासे हैं, जिसे जानना अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए- मोहम्मद जैसे 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत है, हिंदुस्तान है। मेरे पीछे आप इसके जरिए आप समझिए भी, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए- मोहम्मद का जिक्र खासतौर पर किया जाता है। अब तफसील से बताते हैं, लश्कर-ए-तैयबा का गठन 1980 में हुआ था। यह 1980 के दशक की बात है जब यह पाकिस्तान में इसका गठन हुआ, और साल 2001 में इसे विदेशी आतंकी संगठन के रूप में सामने रखा गया। और लश्कर-ए-तैयबा भारत के मुंबई में 2008 के भीषण आतंकी जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई दूसरे हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार भी यह माना जाता है। वहीं जैश-ए- मोहम्मद का गठन भी समझ लीजिए, यह साल 2000 में हुआ। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ने इसका गठन किया, और साल 2001 में इसे भी एफटीओ के तौर पर चिन्हित किया गया था। अब आप समझिए, हरकत उल जिहाद इस्लामी, इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी स्थापना 1980 में की गई। अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए इसकी स्थापना हुई, और साल 2010 में इसे भी एफटीओ के तौर पर चिन्हित किया गया। आगे बढ़े तो साल 1979 यानी कि 1989 के बाद HUJI ने अपनी गतिविधियों को भारत केंद्रित कर दिया, और इसके साथ ही वो अफगान तालिबान से भी अपने लड़ाके भेजता रहा। वहीं आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का गठन 1989 में हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी की आतंकवादी शाखा है, और यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में सबसे पुराना और खतरनाक आतंकवादी संगठन है। वहीं ओसामा के मारे जाने के बाद अयमन अल जवाहरी ने इसका नेतृत्व यहां पर किया था, और साथ ही साथ अलकायदा के कुछ आतंकी भारत किए गए हमलों में ये शामिल पाए गए हैं।